हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सन कुमार। आप लोग देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, ये है वन लाइनर टेक न्यूज का 27th एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पूरे दिन भर की कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज आ रही है वो यहाँ पर Mi Max 3 को लेकर आ रही है। Mi Max 3 को चाइना में लॉन्च किया जाने वाला है 19 जुलाई को, और बताया जा रहा है कि इस फोन में आपको जो बैटरी मिलने वाली है वो 5400 mAh की मिलेगी। दोस्तों, आज की अगली न्यूज आ रही है इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को लेकर, कि आपको पता है कि अब सभी ऑपरेटर्स जो है यहाँ पर 4G सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसी के कारण अब जो यूजर्स है वो काफी कम वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले इंडिया में जो है लोग वाईफाई का ज्यादा इस्तेमाल करते थे और अपने मोबाइल डेटा का काफी कम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो 4G सर्विसेज है उनके कारण जो डेटा प्लान है वो काफी सस्ते हो गए हैं, और इसका कुछ एक श्रेय जो जाता है वो जियो को भी जाता है, क्योंकि जियो के कारण ही जो डेटा प्लान है वो काफी सस्ते हुए हैं। तो दोस्तों, आज ये रिपोर्ट पब्लिश की गई काउंटर पॉइंट के द्वारा कि पहले लोग ज़्यादा वाईफाई का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज जो है लोग अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की अगली न्यूज आ रही है यहाँ पर BSNL की तरफ से, कि BSNL की तरफ से एक नया प्लान लॉन्च किया गया है 39 रुपीज़ में। इस 39 रुपीज़ वाले प्लान में BSNL आपको 10 डेज की वैलिडिटी देगा, और इस 10 डेज के दौरान आपको BSNL की तरफ से अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन डेटा इस प्लान में आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आती है यहाँ पर ओप्पो फाइंड एक्स को लेकर, कि ओप्पो की तरफ से आज ओप्पो फाइंड एक्स इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है, और इस फोन का जो प्राइस है वो यहाँ पर 60,000 रुपीज़ है। यानी कि फोन का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, फोन का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, और फोन में आपको जो है जो पॉपअप कैमरा है वो देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से फोन का प्राइस ज़्यादा है, साथ में जो पॉपअप कैमरा प्रोवाइड किया गया है, फेस अनलॉक के लिए भी आपका जो पॉपअप कैमरा है वो ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ पर आपको पता है कि फ्रैक्शन कुछ ना कुछ तो क्रिएट होगा, तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पर पॉपअप कैमरा वो ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। अगर आप फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं 3-4 साल के लिए, तो शायद आप 3-4 साल तक इस फ़ोन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी मशीन हो अगर ऐसे फ्रैक्शन क्रिएट होगा तो वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आपको क्रिएट जरूर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आती है यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लेकर, जिसकी आज एक पिक्चर लीक हुई है, और इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको USB टाइप सी वाला पोर्ट दिखाई दे रहा है, 3.5 mm ऑडियो जैक आपको दिखाई दे रहा है, साथ में गोल्ड कलर का एस पेन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि US में इसे लॉन्च किया जाने वाला है 9 अगस्त को, लेकिन इसकी जो सेल स्टार्ट होगी वो 24th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, आज की नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर आती है Xiaomi की तरफ से। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस समय Xiaomi के Mi A2 का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि चाइना में काफ़ी समय पहले लॉन्च कर दिया गया Mi 6X, लेकिन Mi A2 Xiaomi की तरफ से अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। तो बताया जा रहा है कि अब 24 जुलाई को Mi A2 स्पेन के मैड्रिड में लॉन्च किया जाने वाला है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज यहां पर आ रही है इंटेक्स की तरफ से, कि इंटेक्स ने आज अपने दो नए स्मार्टफोन Infi 33 और Infi 3 लॉन्च किए हैं। फोन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो कुछ खास नहीं है, प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो Infi 33 होने वाला है उसका प्राइस यहाँ पर रखा गया है 5049 रुपीज़, जबकि जो Infi 3 है उसका प्राइस यहाँ पर 4649 रुपीज़ रखा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर आती है Flipkart की तरफ से। आपको पता होगा कि Amazon की जो प्राइम डे सेल है वो चलने वाली है 16 जुलाई से, तो इसी को देखते Flipkart की तरफ से भी सेल आ गई है, और Flipkart की बिग शॉपिंग डे चलने वाली है यहाँ पर 16 से 19 जुलाई के दौरान। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पर Amazon की सेल होने वाली वो सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए है, लेकिन जो Flipkart की सेल है वो सभी यूजर्स के लिए होने वाली है, और यहाँ पर आपको मोबाइल्स पर जैसे यहाँ पर जो Oppo, Vivo या Samsung के जो स्मार्टफोन हुए उन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर टेक न्यूज़। दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।